तो गाइस आज हम बना रहे हैं आलू गोभी की सब्ज़ी। इस वक्त हम गोभी को फ्राई कर रहे हैं, इसके बाद आलू फ्राई करेंगे। बाकी टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्च है, हली मिर्ची और ओह बहन चोट लग गया, पैर पे गिर गया, और धनिया है। और यहाँ हमने एडवांस सरसों का तेल जला के रख रखा है ताकि सरसों के तेल का टेस्ट ना आए। तो गाइस इसी तरह से हम आलू भी फ्राई कर रहे हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम डालेंगे प्याज। तो थोड़ा सा हम प्याज को भूनेंगे अब। इसके बाद डालेंगे हम टमाटर। अब हम दोनों को पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। ये एकदम बैचलर, मतलब अगर कोई भी अकेला रहता है तो आराम से कर सकता है। थोड़ा तामझाम वगैरह मैंने कर रखा है, सिंपल भी बन सकती है। गाइस हमारा जो प्याज टमाटर लहसुन है भून के तैयार है। अब हम डाल रहे हैं कुछ मसाले, जिसके अंदर धनिया है, सब्जी मसाला है और कश्मीरी लाल मिर्च है और लाल मिर्च है, ठीक है। अब हम थोड़ा इन्हें भूनने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता मसाला। तो गाइस हमारा मसाला भुन चुका है, अब हम डालेंगे हरी मिर्च, उसके बाद हम डालेंगे गोभी, पहले हम डाल रहे हैं आलू, अब हम अच्छे से हिलाएंगे इसको। थोड़ा गैस कर देंगे तेज और उसके बाद हम कुछ देर इसको ढक के पकाएंगे। सब्जी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। और इसी बीच हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि गरम मसाला हो गया, और एक है गाइस कसूरी मेथी। इसे चाहे आप रोस्ट भी कर सकते हैं। और हम डालेंगे कुछ धनिया थोड़ा सा। तो गाइस अब हम ढक के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे। इस तरह से जैसे आलू हो गया, इस तरह से आलू निकाला जाता है, या तो आप उसे चाकू से काटिए, हाथ से दबा के देखिए, देखिए अभी कच्चा है, जब पक जाएगा तो बहुत आराम से टूट जाएगा। इसी तरह से हमें गोभी भी चेक करनी होती है, गोभी भी हमारी कच्ची है, कुछ परसेंट ही पकी हुई है। तो अब इसे ढक देते हैं हम। तो गाइस हमें इस तरह से ढकना है कि फुल कवर हो जाए, जिससे कि बहुत अच्छे से आलू और गोभी हमारी पक जाए। तो गाइस फाइनली हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। तो आलू जो हमें चेक करना है, इस तरह चेक करना है, ऐसे रखना है और इस तरह काट देना है। बहुत ही स्मूथली आलू कट रहा है, ठीक है। और गोभी आप खा के भी देख लीजिए और काट के भी देख लीजिए, हल्की सूखी बना रहे हैं, हल्की गोभी हार्ड रहेगी बट खाने में आपको पकी हुई लगेगी, ठीक है। तुम आँखों से बताना हम समझ जाए।